गाइस, मैंने ना गुलाब जामुन बना लिया, आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने डाल दिया था गुलाब जामुन को, तो इसमें सोख लिया है ना पूरा जो भी चाशनी है वो, तो मैंने ना इधर बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए, और काफ़ी टेस्टी बना हुआ है गुलाब जामुन, बहुत ही नरम बना हुआ है। ये देखिए, तो मैंने बाउल में भी आधा निकाल लिया है और आधे इस कढ़ाई में भी है। तो अभी मैं चाशनी में इसमें डूबने देती हूँ इसे आधे को, और जो चाशनी में मैंने पहले डाला था ना वो अच्छे से फूल गया था, तो मैंने इधर बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखिए, और अभी मैं चलती हूँ, नहाती हूँ, और उसके बाद शाम की भी तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि शाम को पूजा करना है और रंगोली बनाना है, काफ़ी कुछ करना है शाम को। और इधर देखिए, दोनों बच्चे भी मेरे नहीं नहाए हुए हैं, दोनों ही बैठे हैं इधर, एक मोबाइल में ही लगा रहता है हर टाइम, और एक जन मोबाइल उसको मिलता ही नहीं है, तो शांत बैठी रहती है। इधर डंडा कौन लेके आया है? तो अभी मैं चलती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ शाम को सीधे। और काफ़ी शाम हो गया था ना, तो हम लोग नहा लिए हैं और उसके बाद तैयार भी हो गए हैं। तो हमने सोचा कि पहले रंगोली बना लेते हैं, उसके बाद ही पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं रंगोली बना रही हूँ, तो पहले रंगोली बना लेंगे और उसके बाद ही पूजा की तैयारी कर लेंगे। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। तो गाइस देखिए, हमारे यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है, परी पूजा की तैयारी कर रही है इस बार, और बहुत सुंदर सजाई हुई है। देखिए, भगवान की पस्त है, फूलों से बहुत अच्छा सजाई हुई है, नीचे भी देखिए रंगोली बनाई है फूल से। तो अभी परी ही पूजा करेगी इस बार, मैं नहीं कर पा रही हूँ इस बार, तो अगले बार करूँगी मैं, इस बार नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी परी कर रही है, तो आप सभी को दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, परी पूजा की तैयारी कर रही है, तो लगभग पूजा की तैयारी भी हो गई थी, उसके बाद पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर, और पूजा की तैयारी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा भी स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, तो यहाँ पर पूजा भी हो जा रहा है। और आरती उतारने के बाद हम लोग बाहर में दिया भी जला देंगे और घर में, और यहाँ पर देखिए पूजा भी पूरा हो गया है। तो उसके बाद परी यहाँ पर भगवान जी के पास दिया जला दी गई, उसके बाद हम लोग बाहर में दिया जला देंगे। और परी ने ना फूल का रंगोली बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर भी दिया डाल दिया। और यहाँ पर देखिए, मैं भी दिया बाहर में जलाने के लिए जला ली हूँ, तो अभी हम लोग बाहर में बालकनी में भी जला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं बालकनी में आ गई हूँ और दिया जला देती हूँ बालकनी में भी। सभी के यहाँ दिया जला दिए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पूजा करने के लिए, तो पूजा भी हो गया हमारे यहाँ पर, तो हम लोग भी दिया जला देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी दिया जला दूँगी। और काव्यांश तो बहुत जिद कर रहा था कि जल्दी करो, पटाखा भी फोड़ना है मुझे भी। तो और बाहर में ना पटाखा भी फोड़ना स्टार्ट हो गया था हमारे घर के बाहर में, और जस्ट बगल में ही ना ऊपर में जो आसमान में मतलब फोड़ते हैं ना, तो फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और यहाँ पर देखिए, परी मुझे दिखा रही थी जो वो नीचे में आग जला के नहीं छोड़ते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं है उस पटाखे के बारे में ज़्यादा, तो फिर वही छोड़ देते, तो वही दिखा रही थी। देखिए बगल में हमारे ना घर के बगल में यहाँ पर पटाखा फोड़ना स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो परी ने वहाँ का वीडियो भी दे दिया, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे ही हम लोग दिया जलाने आते हैं और वहाँ बगल में पटाखा भी फोड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब
और मैं अंदर आ गई थी तो मैं तो रंगोली दिखाना ही भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए परी और मैं साथ में ना हम दोनों मिलके रंगोली बनाए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। तो और हमने दिया भी जला दिया और यहाँ पर देखिए भगवान जी का पूजा भी कर लिया हम लोग। तो गाइस हमारे यहाँ ना पूजा हो गया है, इधर दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए हमारे यहाँ पूजा हो गया है और इधर परी रंगोली बनाई हुई है। तो ये देखिए और बाहर में मैंने दिया भी जला दिया है। तो आप सभी को दिखाती हूँ, चलिए बाहर में। और ये देखिए और यहाँ पे तो काफी अंधेरा है। अभी हम लोग छुटछुटे जलाने वाले अभी दिखाते हैं। चलो ले आप परी को बुला के ले। वो खा रही है। परी को बुला के ले थोड़ा सा। दीदी तो हमने जला लिया है छुरछुरी। तो अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ बना है पनीर, पनीर की सब्जी, चावल और रोटी। मेरे को बनाना था रोटी, मैं बनाऊँ क्या परी? पूड़ी बना लो मम्मी। मैं तो सबसे पहले गुजिया जो जो मतलब हाँ, और गुजिया बनाई हूँ मैं, सलोनी बनाई हूँ और गुलाब जामुन। तो बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना ड्यूटी गए हैं क्योंकि उनका आज ड्यूटी लगा हुआ है, तो वो अभी ना 10 बजे के बाद ही आएंगे। 10 बजे के बाद ही आप आएंगे। और इधर देखिए दोनों बच्चे। हेलो कर दो, हैप्पी दीपावली कर दो। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, आ जाओ। दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। येलो येलो पहने हैं। हाँ हम तीनों ही येलो येलो पहने हैं। हाँ छोटे पैंट शर्ट पहना है, मैं लहंगा पहनी हूँ, मम्मी साड़ी। और हमने ना अभी छुरछुरी जलाया है। छुरछुरी छुरछुरी बोलते हैं ना, क्या है? और उसके बाद अभी बच्चे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद उसके बच्चों के और पापा आ जाएंगे ना इनके, तो उसके बाद फिर जाएंगे इन लोग पटाखा फोड़ने के लिए ना परी। तो ऐसे हम लोग मिठाई खा लिए हैं और अभी इधर बच्चे पटाखा वेट कर रहे हैं अपने पापा का, है ना परी? और उसके पापा आ जाएंगे ना तो फिर बच्चे फोड़ने के लिए जाएंगे। पहले से गए हुए तो फोड़ के आ गए हैं और थोड़ा सा बचाए हैं। थोड़ा बहुत बचाए हैं उसे, अपने पापा के साथ जाएंगे फोड़ने के लिए। छोटा पटाखा फोड़ने में कैसे मजा आया या नहीं? बहुत मजा आया। गाइस चक्री पे ना कभी कभी फूट जाते हैं। हाँ चक्री तो फूटता है कभी कभी ना, लास्ट में चक्री के ना बीच मतलब लास्ट में जलने के बाद फूटता है। कोई कोई सा हम लोग आज दो चूजे गए थे वो फूट गए दो, फिर हम लोग फिर आ गए वापस घर। डर के मारे नहीं, दादी लोग भी नहीं थे वहाँ पे, फिर हम कहाँ गए। चलो बैठो, चलो खाना खा लेना, चलो चलते हैं खाना खा लेते हैं। तो काफी रात हो गया, अभी 10:30 हो गया है, 11 बजने वाला है 15 मिनट बचा है। तो काफी लेट हो गया, अभी खाना खाने चलते हैं क्योंकि और अभी तक नहीं आया है। क्या पता नहीं खाएगा मम्मा, कुछ बोल रही है। नहीं आएगा गाइस, पापा मुझे 10 बजे आऊंगा और अभी तक आए नहीं है। 10 बजे आ जाऊंगा ऐसा बोले थे लेकिन पर आए नहीं है।
तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। और मैं नहीं खाऊंगा। आज हमारे यहाँ सिंपल चावल और बना है पनीर की सब्जी, तो दिखाती हूँ। और मिठाई बहुत सारे था ना, इसी वजह से ज़्यादा मैं कुछ बनाई नहीं, बच्चे नहीं खाते ना इसे, तो अभी दिखाती हूँ। तो मटर पनीर बना हुआ है हमारे, ये देखिए मटर पनीर बना हुआ है। और कुछ टाइम बाद ना मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं ना, तो बच्चे चले गए नीचे पटाखा फोड़ने के लिए फिर से। तो यहाँ पर देखिए बच्चे पटाखा फोड़े, मैं बालकनी से वीडियो बना रही थी। तो आज का व्लॉग इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।